पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम अमित कुमार ने बताया कि 14 अगस्त 2024 को पुलिस थाना बगरू क्षेत्र में धोखाधड़ी कर एक व्यक्ति को झांसा देकर उसकी 80 बकरियां ट्रक में लेकर चले गए। इस पर 3 अभियुक्तों सुरेंद्र सिंह, शिवम सिंह और प्रेमचंद को गिरफ्तार किया गया था और एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया था। उक्त अभियुक्तों के पास मिली कार की तलाशी में 500-500 रुपए के करीब 9 लाख रुपए के जाली नोट बरामद हुए थे। इस पर अभियुक्तों के पास मिले अत्यधिक राशि के जाली नोटों की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जाली नोट बरामद कर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की टीम गठित की गई। बकरी चोरी के प्रकरण में अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाने के बाद 20 अगस्त 2024 को अभियुक्त सुरेंद्र सिंह, शिवम सिंह और प्रेमचंद सैनी को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर जाली नोटों के संबंध में गहनता से अनुसंधान और पूछताछ की गई। अभियुक्तों ने बताया कि उन्होंने अपने जयपुर के झोटवाड़ा स्थित मकान पर ही प्रिंटर से जाली नोट छापे। सूचना की पुष्टि पर अभियुक्तों के निवास पर जाली नोटों का बड़ा जखीरा मिला। मौके से 500-500 रुपए के करीब 86 लाख रुपए के जाली नोट, 2 प्रिंटर और 2 कटर जब्त किए गए। तीनों अभियुक्तों से गहनता से पूछताछ जारी है। प्रकरण में अनुसंधान जारी है।